हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज अ बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम मामू के साथ शुगर लगाने आए हुए हैं। ये हमारे टेक्सास में छोटा सा बीच है डैलस एरिया में ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी बारबेक्यू वगैरह करने आए थे और ये थोड़े सा तकिए वगैरह लाए हुए हैं और थोड़ी सी साथ शीट वगैरह ला के ना बिछा के यहाँ पे बीच वाला एरिया है। हमने कहा थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वो सामने देखो मामू, उनकी फैमिली खड़े हुए, ठीक है? एज यू कैन सी, नहाने का मुझे कहा था उन्होंने, आप तो सारे जॉगर जूते पहन के आए हो। मुझे तो कह रही थी कि चड्डी वड्डी पहन के हो, मैं तो चड्डी अपनी जिंदगी में नहीं पहनी कभी। ले, कितनी दफा तो पहनी है, क्या हाल है मुझसे? है ठीक है, आप सुनाओ। ये गले मिलते हुए दिखा रहे दोबारा। वाह जी वाह, खुद तो वो देखो पूरे जॉगर जूगर पहन के सारा कुछ साथ रहा। मैंने कहा सिचुएशन पता नहीं क्या होगी इधर ना। मैंने तो कहा था पता नहीं, मैं देखता हूँ मैं नहाऊंगा कि नहीं, कैसा पानी है यहाँ का। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी को भी कोई जगह है यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, बुलाया नहीं कभी आपने। मैं क्या किया था, भागा हुआ था किसके साथ? ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं वॉलीबॉल। एज यू कैन सी, मुझे बड़ा यार शौक था वॉलीबॉल का ना, हमारे स्कूल में हम खेलते थे, लेकिन हम सारे लौंडे लौंडे होते थे सैडली। नहीं मैं तो वैसे ही ये पहन के आया हूँ शॉर्ट्स वगैरह ना, इट्स प्रीटी हॉट। आई डोंट नो इफ आई विल गो फॉर अ स्विम। मैं तो वैसे ही यू नो थोड़े से बीच वाइब्स में आया था, तो चेक करते हैं आगे जाके क्या सीन है यहाँ पे। ये देखो सारे अपनी फैमिलीज, बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो अपनी फैमिली ने छोटे छोटे अड्डे बनाए हुए दरख्तों के नीचे ना, गजीबोज नहीं है उसके अंदर ना अपने बारबेक्यू वगैरह लगा रहे हैं। एज यू कैन सी सबने अपने अपने अड्डे बनाए हुए, तो पता नहीं हमें तो कोई अड्डा है सच मिला या नहीं मिला। सारे यहाँ पे पूरे कपड़े पहन के सबने शेड वाली जगह ढूंढ लिया। एज यू कैन सी सारे शेड के ना नीचे वहाँ पे बैठे हुए हैं और उधर भी लोग बैठे हुए हैं एज यू कैन सी। अच्छा ये है यहाँ पे गहरे स्विमिंग कर सकते हैं यार, ये तो गंदे नाले से भी गंदा पानी लग रहा है। Look at the water. इससे तो अच्छा नहर का पानी होता था हमारे लाहौर में। नहीं नहीं लेकिन ये चेक तो करो जरा, अकॉर्डिंग टू मामू कह रहे बारिश हुई है ना तो पानी गंदा हो गया भाई, अब क्या कर सकते हैं, हमें बीमारी बुमारियाँ लग जाएंगी भाई, चिक्कड़ी चिक्कड़ हुआ हर जगह पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास जेट स्की वगैरह हो ना फिर वो करने का मजा आता। मैंने की हुई जेट स्की, इट्स प्रीटी फन। लोग यहाँ पे अपनी फिशिंग भी कर रहे हैं, पता नहीं फिशिंग कौन सी कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई मछलियाँ होती नहीं काम की। वहाँ पे मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा, वो एरिया जो है ना बीच वाला है। ले आओ अपना फिशिंग पोल तुम, चलो शुरू करो। ये क्या, ये वॉर्म्स? ये क्या, फिशिंग के लिए? ओह सो यू पुट द वॉर्म्स ऑन द हुक, खुद ना खा लेना जोश में आगे। क्या चीज ये भाई, मेरा फादर तो है ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, फादर्स डे पे वही देगा। फादर होता है भाई, फादर इन लॉ भी फादर होता है। नहीं भी फादर्स डे तो आया ही नहीं ना, कब आता है वो? अभी अच्छा जी, ये मामू कह रहे हैं कि उनके बच्चे ने उनको दिया ना ये वाला गिफ्ट, तो कह रहे हैं तुमने क्यों नहीं दिया, मैं फादर्स डे तो आया ही नहीं है। कैसा लगा? अच्छा अच्छा इट्स गुड, चलो सही है, हवा अच्छी चल रही है, सही हो गया। सारों ने हट ले लिए हैं एक एक करके, शुरू में मिल जाता जल्दी लेकिन लेट हो गए ना। लो जी भाई लाइव कीड़े मकोड़े हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है? वही ना खरीद के लाए गंदे बंदे। अच्छा ये हुक के अंदर डाल रहे से बेचारा। ये अभी हम यहाँ पे बैठ के इधर फ्रूट शूट एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो फ्रूट केक। क्या हो गया भाई? 2000 years later. सुना आपको रिश्ते आने लग गए? मैंने इसको गलत भेजा था, मैं ये लड़के भी बड़े तेज हैं, ये बनके ना फेक आई मैं हो सकता है लड़की हो। मैंने इनकार किया तो कहता है कि कोई बात नहीं, मम्मी से बात कर लेना, मैं सफाई वगैरह और मैं चीजें वगैरह ये काम कहते मैं बच्चों का ध्यान रखूं। कह रहे मैं बच्चों का, मैंने कहा ना बच्चों से मिली नहीं अभी। देख लो चाहे अमेरिका बंदा आ जाए एहसास कभी चेंज नहीं होता। पहले हम सोजो में बैठ के माल्टे के छिलके फेंकते थे, अब अमेरिका की लेक में आके माल्टे के छिलके फेंक रहे हैं। ये देखो फेंकता हूं। तो भाई ग्रेला मामा ऑन करने लगे अब भाई, किस बात का साथ, थोड़ी सी पार्टनरशिप? मैं जॉन से है ना एंटरटेनमेंट के लिए आया हूं, उसे डोंट डिस्टर्ब मी। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, इसको अब चलाएं अब चूल्हे को। यार इसका ये ऑन करना पड़ेगा, पहले करना वो उसमें से आ रही है मुझे, फायर अंदर से जल रही है। मैं भी भाई साहब को बुला लिया, पूरे आ रही है वो देखो। नहीं दूध सारी चल रही है। हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, हमने इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया अपने मजेदार किस्म के लेग पीस। पहले से हमें बीफ नहीं बनाना चाहिए था, वो जल्दी बन जाता, वो जल्दी बनेगा, ये टाइम लगेगा ना। हाँ वैसे पहले ये बना लो, सही कह रहे हैं। तो ले आना एक है, वो देखो जरा हमारी सेन्योरिटा बैठी है। बैठे सेन्योरिटा की तरह लेंगे आपके लिए, टेंशन ना ले। ये तो यार पूरे ऑस्ट्रिच का चेस्ट ले आए तो उठा के, कल जो हमने ऑस्ट्रिच देखा था उसका चेस्ट लग रहा था। लजीज लजीज चिकन हमारे सामने बन रहा है एज यू कैन सी, और ये हम और डाल रहे हैं इस तरह, आई थिंक बस एक दो और ही आएंगे इसके अंदर।
चलो जी। टेस्ट टेस्ट करने लगे हैं, साथ हमारे मामू में बैठे हैं। थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं चिकन की बोटी का पीस। जान वाह जी वाह, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, वाइट वाइट चिकन, हाय हाय क्या मजे का जूसी जूसी टेस्ट आ रहा है। जिंदाबाद मामी पुत्र को उसमें क्या कहते हैं, जिंदाबाद मामी पुत्र नहीं, लड़की को भी पुत्र कहते हैं। ये मुझे स्टेक का एक पीस काट के देना सीधा जितनी देर में तो कोई ब्लॉग खत्म हो जाएगा ये वाह युवा, बहुत ही जूसी है ना, जूसी जूसी, जैसी खाए मुंह में जाके भम भम फट गया। जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। मामी आपने लगाया मसाले, जिंदाबाद। तो जी बॉयज एंड गर्ल्स, आपको मैंने कहा थोड़ा सा बीच की तरफ आके बीच के नज़ारे भी दिखा देता हूँ। देखो सारे नंगे पुंगे यहाँ पे फेर रहे हैं इस वक्त। अभी मैंने मोटो मोटो भी देखा था पानी से निकलता हुआ ना। ये सारी मैन मेड लेक है मेरे ख्याल से ना, बनाए भी लोगों के फन के लिए, लेकिन आई थिंक आगे मछलियाँ वगैरह तो रखी होंगी, इसलिए कहते हैं ना वो येलो लाइन लगाई हुई कि उसके आगे ना लोग नहीं जा सकते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए हैं। वो अपने पाकिस्तान में मच्छी वाला वैसे ही आया था साइकिल पे, सारी मछलियाँ पकड़ के आपके लिए। इतनी दूर जितनी उसे फेंका वहाँ तक तो मैं अपने हाथों से जाके पकड़ लूँ मछली। तो बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हम घर वापस आ गए थे और मैंने आपको एक थोड़ी सी स्पेशल चीज दिखानी थी जिसका मैंने भी अभी कल परसों ही सुना है, ठीक है, और आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा ऐसी चीज। और वो क्या है, इट इज अ पिंक पाइनएप्पल। बॉयज एंड गर्ल्स जरा चेक करो, और ऐसे जामे शीरी के डब्बे में है। ये है थोड़ा सा डार्क येलो तरह का पाइनएप्पल है एज यू कैन सी, और बड़ा प्यारा सा बॉक्स है। इतना प्यारा इसका बॉक्स है कि दिल ही नहीं कर रहा इसको खोलने का ना, दिल कर रहा ऐसे ना दीवार पे लगा के सजा दो, लोग भी पूछेंगे क्या है यार इसके अंदर। इसकी क्या प्राइस थी, $11 $11.50 ऑलमोस्ट $12 का ये पूरा हमें एक फल मिला है। तो इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आई वुड से फ्रूट वाइज। हमारे पास एक येलो ड्रैगन फ्रूट भी है, वैसे वो किसी और ब्लॉग में ट्राई करेंगे, अभी ये सिर्फ करते हैं, ठीक है। तो डब्बा खोलने लगे हैं, पता नहीं है वो पत्ता मुझे लगता है काट दिया होगा उन्होंने डब्बे में डालने के लिए। ये ऐसा नहीं लग रहा जो वन पीस देखते होंगे, वन पीस का डेविल फ्रूट नहीं लग रहा, पीका पीका नोमी लाइट वाला जो फ्रूट होता है, पूरा खा जो मेरे पास शायद कुछ स्पेशल पावर्स आ जाए। ये तो मैं आता है पाइनएप्पल काट, अच्छा मुझे भी नहीं आता आई थिंक इसको बीच से ही काटना होगा। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक इसकी पहले स्किन हटाते हैं। ओह हाँ 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 हाँ, पहले ये टोपी तो काटनी ना इसकी, टोपी वही वाकई पिंक है अंदर से। बॉयज एंड गर्ल्स लाइट पिंक है, लेकिन काफी इतना पिंक नहीं है, ये हमें मामू ना बनाया उन्होंने। मेरी एक लाइट गिर गई है। ओ नहीं नहीं पिंक है अंदर से, ये चेक करो पिंक निकले अंदर से। कब खत्म होगा, वाओ बॉयज एंड गर्ल्स ये तो वाकई अंदर से पिंक है एज यू कैन सी। तुम मेरा डरती क्यों रहती हो, तो इतना ज्यादा लगा हुआ है सारा पाइनएप्पल लगा हुआ है, आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा मैं। तो लेट्स ट्राई दिस पिंक, हो सकता है रूह अफ़ज़ा का टेस्ट है, हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ, चलो 1 2 3 गो। अबे ये तो सेब की तरह है ये क्या हुआ है हमारे साथ, इट्स वेरी क्रंची। एक सेकंड मैं आपको उसकी क्रंच चेक कराता हूँ जरा, एक मैं पीस ले रहा हूँ ठीक है। नहीं नहीं मजे का जूसी है, ऐसे कर ले समझने की सेब और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने चीज बनाई है जो मुझे फील हुआ है। वाज वेरी गुड, हां ये वाला पीस बहुत अच्छा है जो नीचे वाला। अब मिठास आई है ना सारी, असल में हम गलत गलत टोटे खाई जा रहे हैं, जो अंदर अंदर वाले हैं वो सबसे मजे के हैं। बड़ी नायाब चीज और बड़ी मजे की है, एक्चुअली वेरी टेस्टी। $11.50 कितने हो गए हमारे देसी रुपयों में, 3,220 का फ्रूट है, ज्यादा महंगा नहीं है, बस एक किडनी बेच के खाना पड़ेगा। टिपिकली पाइनएप्पल इज लाइक $279 एंड दिस वाज $12।
चलो कोई नहीं, एक दफा पैसे जाया हो गए ना, अब दोबारा कभी नहीं खाऊंगा। ब्लॉग को बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक। और अगर आपको ये छोटा सा हमारा रिव्यू मजे का लगा तो डू लेट अस नो, आगे भी इस तरह के बनाएंगे मजे के, ठीक है। Go ahead, be gone with it.